सभा चुनाव से ठीक पहले फिर भाजपा पर बरस पड़ी आम आदमी पार्टी की आतिशी। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सिलसिलेवार तरीके से बताया सच। जी हां, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की नेत्री और दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा पर करारे हमले किए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आतिशी ने बताया कि किस तरह LGBT सक्सेना के द्वारा सोलर पॉलिसी को रोका जा रहा है। 19 जनवरी 2024 को केजरीवाल सरकार ने अपनी कैबिनेट में एक नई सोलर पॉलिसी पास की थी, जिसे देश की सबसे प्रोग्रेसिव पॉलिसी के तौर पर सराहा भी गया। इसके तहत दिल्ली में रहने वाले 400 यूनिट से ज्यादा बिजली खपत करने वालों को भी जीरो इलेक्ट्रिसिटी बिल का फायदा पहुंचाने के लिए है। अब आतिशी भाजपा पर साजिश का आरोप लगाते हुए कहते हुए नजर आई कि आचार संहिता से पहले तक इसको रोकने की कोशिश में लगी है भारतीय जनता पार्टी। अब आइए पहले समझते हैं कि दिल्ली की सोलर पॉलिसी क्या है जिस पर LG ने लगा दी रोक। आइए समझते हैं कि ये केंद्र की योजना से कितनी अलग है। सबसे पहले आपको बता दें कि दिल्ली में पहले ही 200 यूनिट फ्री बिजली दी जा रही है और अब इस राहत को और बढ़ाने के लिए हाल ही में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सोलर पॉलिसी का बड़ा ऐलान किया था। गौरतलब है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार ने भी हाल ही में रूफटॉप सोलर प्लांट योजना लॉन्च किया है, जिसमें 300 यूनिट फ्री बिजली दी जा रही है। अब आइए समझते हैं कि दिल्ली और केंद्र की सोलर पॉलिसी में क्या अंतर है। सबसे पहले हम दिल्ली सोलर पॉलिसी की बात करते हैं तो आपको बता दें कि जनवरी महीने के अंत में CM केजरीवाल के द्वारा एक ऐलान किया गया था, जिसमें उन्होंने दिल्ली सरकार की सोलर पॉलिसी के बारे में जानकारी शेयर की थी। दिल्ली गवर्नमेंट की नई सौर ऊर्जा नीति 2024 जारी करते हुए CM अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि इस पॉलिसी के तहत जो लोग छत पर सोलर प्लांट लगाएंगे उनका बिजली बिल जीरो यानी कि शून्य होगा। इसके साथ ही इससे लाभार्थी हर महीने 700 रुपए तक की कमाई भी कर सकते हैं। उन्होंने दावा किया था कि इस पॉलिसी के तहत जो लोग सोलर प्लांट खरीदने में पैसे निवेश करेंगे वो पैसा महज 4 साल में ही रिटर्न हो जाएगा और साथ ही सब्सिडी का लाभ भी मिलेगा। दिल्ली सोलर पॉलिसी का लक्ष्य मार्च 2027 तक 4.5 गीगावाट सोलर क्षमता हासिल करना है। इसके तहत जो लोग अपने घर की छत पर सोलर प्लांट लगवाते उनका 400 यूनिट प्लस बिजली का बिल जीरो देने का वादा किया गया था। फिलहाल राजधानी दिल्ली में 200 यूनिट फ्री बिजली मिल रही है, जबकि 200 से 400 यूनिट बिजली की खपत पर इलेक्ट्रिसिटी बिल आधा आ रहा है। वहीं अगर दिल्ली की नई पॉलिसी अगर लागू होती है तो 400 यूनिट बिजली फ्री हो जाती। आपको बता दें कि अभी दिल्ली में सौर क्षमता लगभग 1500 मेगावाट का है, जिसमें सोलर प्लांट से 250 मेगावाट बिजली शामिल है। वहीं अरविंद केजरीवाल के मुताबिक इस नई सौर ऊर्जा नीति के तहत सरकार ने मार्च 2027 तक दिल्ली की कुल स्थापित सौर क्षमता को मौजूदा क्षमता से 3 गुना बढ़ाकर 4500 मेगावाट करने का लक्ष्य रखा है। इस योजना पर दिल्ली सरकार करीबन 570 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। अब वहीं बात करें अगर केंद्र सरकार के द्वारा दी गई PM सौर ऊर्जा घर की, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना हाल ही में लॉन्च किया गया है। इस योजना के तहत रूफ टॉप सोलर प्लांट लगवाने वालों को 300 यूनिट तक फ्री बिजली मिलेगी। सरकार ने इस योजना के तहत 1 करोड़ घरों को रोशनी देने का लक्ष्य बनाया है। केंद्र की योजना में भी अपने घरों की छत पर सोलर प्लांट लगवाने वाले लोगों की लागत के बोझ को कम करने के मद्देनजर सब्सिडी भी भेजने का प्रावधान किया गया है। वहीं नरेंद्र मोदी की सरकार इस योजना पर 75,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। 300 यूनिट फ्री बिजली देने वाली इस सरकारी स्कीम में सरकार सौर प्लांट स्थापित करने के लिए जो सब्सिडी दे रही है, इसके मुताबिक 2000 वाट का रूफटॉप सोलर लगवाने पर कुल प्रोजेक्टेड कॉस्ट 47,000 रुपए होगा और इस पर सरकारी सब्सिडी 18,000 रुपए मिलेगी, यानी आवेदक को सिर्फ 29,000 रुपए का भुगतान करना होगा। वहीं 3 किलोवाट के पैनल के लिए इन्वेस्टमेंट 80,000 रुपए का होगा और इसके लिए सब्सिडी 36,000 रुपए मिलेंगे। इससे ज्यादा क्षमता के मीटर पर अधिकतम सब्सिडी का रकम 78,000 रुपए तक है। इसी को लेकर आज आम आदमी पार्टी की मंत्री आतिशी ने उपराज्यपाल पर सवाल उठाए और साथ ही साथ भाजपा पर अरविंद केजरीवाल के इस प्लान को रोकने का आरोप भी लगाया है। अब आइए पहले सुनते हैं कि आतिशी ने क्या कुछ कहा है। 29 जनवरी 2024 को दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने अपने कैबिनेट में
एक नई सोलर पॉलिसी पास की। इस सोलर पॉलिसी को देश की शायद सबसे बेहतरीन और प्रोग्रेसिव पॉलिसी के तौर पे सराहा गया। ये एक ऐसी पॉलिसी है जो दिल्ली में रहने वाले 400 यूनिट से ज्यादा बिजली कंज्यूम करने वालों को भी जीरो बिजली का बिल मिल सके इसका प्रावधान करती है। अभी तक दिल्ली में दिल्ली सरकार 200 यूनिट तक बिजली फ्री देती है, 200 से 400 यूनिट पे 50% सब्सिडी देती है, लेकिन ये पहली बार एक ऐसी पॉलिसी आई जिसके माध्यम से 400 यूनिट से ज्यादा बिजली प्रयोग करने वालों का भी बिजली बिल जीरो हो सकता था। तो स्वाभाविक बात थी कि दिल्ली के लोगों ने इसका स्वागत किया, इसके प्रति बहुत उत्साह बना। जब से मुख्यमंत्री जी ने इसको अनाउंस किया उसी दिन से हमें फोन आने लगे, व्हाट्सएप आने लगे दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से कि हम कब से इस पॉलिसी के तहत सोलर पैनल लगवा सकते हैं। जो एक दूसरा महत्वपूर्ण प्रावधान इस पॉलिसी का था वो ये था कि सोलर पॉलिसी के हर यूनिट को जेनरेट करने पर जो अपने घर पे सोलर रूफटॉप लगाएगा उसको सरकार बिजली बनाने के पैसे देगी। दैट मीन्स कि अगर मेरे घर के छत पर सोलर प्लांट लगता है मैं जितनी बिजली जनरेट करती हूं मुझे फ्री तो मिलेगी, लेकिन उसके अलावा सरकार इस सोलर पावर जनरेशन के लिए मुझे अलग से पैसे देगी। 3 किलोवाट तक की बिजली के लिए 3 रुपए यूनिट इंसेंटिव दिया जाएगा सरकार से, और 3 किलोवाट से 10 किलोवाट तक 2 रुपए प्रति यूनिट का इंसेंटिव दिया जाएगा। तो ना सिर्फ मेरा बिजली का बिल जीरो आएगा, मैं सोलर पावर प्लांट के माध्यम से, रूफटॉप सोलर पावर प्लांट के माध्यम से पैसे कमा भी सकती। ये इतनी एम्बिशियस सोलर पॉलिसी है कि दिल्ली के बढ़ते हुए इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के बावजूद इस सोलर पॉलिसी के माध्यम से हमारा ये टारगेट है कि 2027 तक दिल्ली में इस्तेमाल होने वाली 20% बिजली सोलर एनर्जी के माध्यम से आएगी, जो शायद मेरे ख्याल से किसी भी राज्य से ज्यादा होगा। 29 जनवरी को इस पॉलिसी को कैबिनेट द्वारा पास किया गया, उसके 2-1 दिन बाद एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन कैबिनेट के डिसीजन का आया, फिर पावर डिपार्टमेंट ने इस फाइल को एलजी साहब के पास भेजा। यह बहुत दुख की बात है कि एलजी साहब द्वारा इतनी बेहतरीन सोलर पॉलिसी जो दिल्ली के लोगों को फायदा देगी, जो पर्यावरण को फायदा देगी, जो प्रदूषण को कम करेगी, एलजी साहब सबसे पहले तो इस फाइल को लेके बैठ गए। उन्होंने कई दिन तक इस फाइल को वापस ही नहीं भेजा। फिर इस मुद्दे को पावर डिपार्टमेंट ने एलजी ऑफिस से परस्यू किया। मैंने व्यक्तिगत तौर पर एलजी ऑफिस से बात कर करके कई बार ये सवाल पूछा कि सोलर पॉलिसी की फाइल कब वापस आएगी, क्योंकि हमें सोलर पॉलिसी को नोटिफाई करना है। हमारे इतने परस्यू करने के बाद जब एलजी साहब इस फाइल को और रोक नहीं पाए तो उन्होंने ऊल जलूल सवाल लगाकर इस फाइल को वापस भेज दिया। ये ऊल जलूल सवाल लगाने से, ये ऑब्जेक्शन लगाने से क्या होता है, इस ऑब्जेक्शन का मतलब क्या होता है, आप इस बात को समझिए कि अब जब अनेकों सवाल के साथ फाइल वापस आएगी, जब ऑब्जेक्शन के साथ फाइल वापस आएगी, तो वो एक अफसर से दूसरे अफसर के पास जाएगी, दूसरे अफसर से तीसरे अफसर के पास जाएगी, तीसरे अफसर से चौथे अफसर के पास जाएगी, और ये फाइल घूमती रह जाएगी। ऑब्जेक्शन लगाने का सिर्फ एक ही ध्येय है कि इस पॉलिसी को रोका जाए और अगले महीने आने वाली आचार संहिता से पहले इस पॉलिसी को नोटिफाई नहीं होने दिया जाए, इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट नहीं होने दिया जाए। क्यों? क्योंकि अगर ये सोलर पॉलिसी नोटिफाई हो जाती है और अगर ये सोलर पॉलिसी इंप्लीमेंट हो जाती है तो दिल्ली वालों को इससे फायदा होगा, दिल्ली वाले अरविंद केजरीवाल की सरकार से खुश होंगे,
उनके पॉलिसीज से खुश होंगे, उनको वोट डालेंगे। तो आज एलजी साहब इस शहर की, इस राज्य की सबसे बड़े संवैधानिक पद पे बैठे होने के बावजूद अपनी पद की गरिमा को भूलकर आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं। आज वो भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में वोट दिलवाने के लिए आज वो अब हर संभव प्रयास कर रहे हैं। मैं आप सबके माध्यम से एलजी साहब से ये निवेदन करना चाहूंगी कि दिल्ली सोलर पॉलिसी एक बहुत शानदार पॉलिसी है। उससे ना सिर्फ दिल्ली वालों को फायदा होगा बल्कि उससे दिल्ली में पोल्यूशन रोकने में भी फायदा होगा। तो मेरा उनसे आग्रह है कि इस सोलर पॉलिसी पे राजनीति ना करें, इस सोलर पॉलिसी को रोकने का प्रयास ना करें, इस सोलर पॉलिसी को डिले करने का प्रयास ना करें। ये सोलर पॉलिसी दिल्ली वालों के हक में है और दिल्ली के एलजी होने के नाते, दिल्ली के गार्जियन होने के नाते ये उनकी भी जिम्मेदारी है, ये उनकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो दिल्ली वालों के हक की पॉलिसी को पास करें। थैंक यू। तो सुना आपने किस तरह आरटीसी ने भाजपा पर यह आरोप लगाया है कि अरविंद केजरीवाल के द्वारा शुरू किए गए सोलर पॉलिसी को रोकने के लिए साजिश कर रही है ताकि आचार संहिता से पहले इसको रोका जा सके। फिलहाल आप इस खबर के बारे में क्या सोचते और समझते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह की खबर देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके लिए न्यूज रूम से अमन बरडियार की रिपोर्ट।